भाई मैं वीडियो को स्टार्टिंग में एक बात बोलूंगा, आपने थंबनेल में पा लिया, रियाल रेट क्या 100 क्रॉस करेगा? या डॉलर अगर 300 कर सकता है तो रियाल क्यों नहीं 100 क्रॉस कर सकता है? लेकिन देखें, इसमें मिसाल के तौर पर अगर कोई भाई अगर ये बोलेगा कि भाई ये तो नहीं अभी हो सकता है, आप ऐसे बोले जा रहे हैं, तो भाई अगर आज से चंद माह पीछे चले जाएं, 10 माह, 1 साल की चलो बात कर लें, तो उस टाइम रेट क्या था? 42, 42, 43, तो अभी क्या है? 80+ में, 80 रुपये प्लस में, तो ये भी तो हो गया ना, डबल हो गया। तो 80 और 100 में कौन सा डिफरेंट है? बाकी आपको वीडियो आज की इंटरेस्टिंग लगेगी, पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा जी, वो शेयर कर दूंगा मैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपको जुमेरात है जी, कल जुमे है, रेस्ट है, तो 2 मिनट 2 3 मिनट आपके लूँगा आज आज की वीडियो में। यकीनन आप भाइयों को इससे फ़ायदा होगा। यार मैं बोलता हूँ किसी की भी आप बकवास में बकवास बोल रहे हैं, जो कुछ मर्जी बोल रहे हैं, अगर किसी का भी आपने सुनना है ना, तो उससे आपको फ़ायदा हुआ तो तभी उसकी भाई गुफ्तगू सुने, मरना मत सुने। मेरी वीडियो भी स्किप कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी ना लगे तो। ये मैं बोल रहा हूँ, ये यकीनन बात है आपको पसंद आएगी। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट में मैं बोलूँगा कि आपने ना एक इंडियन फिल्म होती थी, अभी भी है, आप नेट के ऊपर अभी भी देख सकते हैं, हमारे वक्त की थी, बहुत मशहूर मरूफ, अभी आ रही है। हमारे वक्त से मुराद ये है कि जब हम भी भाई, जब आप मेरे जैसे भाई जो प्रदेश में बैठे हुए हैं, जब स्कूल लाइफ थी या कॉलेज लाइफ थी, उस टाइम वो फिल्म अक्सर एंजॉय करते थे। वो जो आपको पता है अजय देवगन की और इसकी ठाकर की फिल्म होती थी, वो शाका शाका तू तो लूट लाया रे, वो इस टाइप के उसके डायलॉग होते थे। उसमें एक डायलॉग होता था, हम आतंकवादी हैं आतंकवादी, सरकार हमें आतंकवादी बोलती है, और बंदे हम बिल्कुल बिल्कुल आतंकवादी नहीं है, बंदे हम बिल्कुल ठीक है, यानी कि गरीब लोगों की मदद करते हैं। यार मैं ये ना डायलॉग थोड़ा थोड़ा फिट बैठता है परदेशियों के ऊपर। आतंकवादी तो नहीं बोलते हम, ना सरकार हमें बोलती है, जैसा कि मैं अभी परदेश में होता हूँ, सरकार हमें अच्छे लफ्जों से तो याद करती है, लेकिन सलूक हमारे साथ कुछ ऐसे ही किया जाता है। कैसा भाई? देखे, मोबाइल लेके आए बंद, ज़्यादा रियाल लेकर आ गए पकड़ लो जी। जो डीपोर्ट होकर आ रहा है बंदा सऊदी अरेबिया से, वो बेचारा एयरपोर्ट के ऊपर कैसी हालत में उतरता है, उसको कोई मूल चल चल आगे लगा आगे लगा, किधर से आ रहा है, पासपोर्ट दिखा पासपोर्ट दिखा। कुछ तो ऐसे केस भी मैंने देखे कि वो एयरपोर्ट के ऊपर उनसे पैसे लिए जाते हैं, यकीन कीजिए। और बहरहाल जी, ये गुफ्तगू किसी और ही तरफ चलती जाएगी। मैं ये बात इसलिए कर रहा था कि परदेशियों के साथ कुछ सलूक हमारे मुताबिक, परदेशियों के मुताबिक अच्छा नहीं होता है यार। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अच्छा सलूक नहीं करती है, चाहिए कि हमें सहूलियात दी जाएँ परदेश में बैठकर भी पाकिस्तान में, जैसा कि वोट की सहूलत है, जैसा कि हम यार एक मोबाइल तो अलाउड कर दो, चलो बंदा अपने लिए नहीं तो अपनी किसी बेगम के लिए लेकर आ जाए। अच्छा बहरहाल जी, अभी रियाल रेट के मुतल्लिक, डॉलर रेट के मुतल्लिक आ जाते हैं। कल एक भाई ने मुझे कमेंट करके बताया, सुन लें, आपको भी इससे मज़ा आएगा इस बात से। वो बोल रहे हैं भाई, आप बोल रहे थे, आप मुझे मुझे मुखातिब करके बोल रहा है वो, कि भाई आप बोल रहे थे कि रियाल ऊपर जाएगा, ओपन मार्केट में ये रेट हो गया, अभी आप बोल रहे हैं ओपन मार्केट से हमारा लिंक ही कोई नहीं है। अब भाई क्यों नहीं लिंक है? अजी बिल्कुल ओपन मार्केट से हमारा लिंक कोई नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। कैसे? एक ही बात मैं आपको समझा देता हूँ। मैं जद्दा बनी बालक में मैं था, मेरे साथ एक पठान दोस्त था, अब बुजुर्ग आदमी था, मेरा दोस्त था बहुत पुराना, तो मुझे बोलता कि आओ भाई, मुझको वो बोलता था, वो क्या बोलते मुझको, मोबाइल जी छोड़े, मुझको बोलता था आओ यार चलें, मैंने पैसा भेजना है। मैंने बोला पैसा भेजना है? इकामा तो तुम्हारा है नहीं, इकामा एक्सपायर, उसने केस किया हुआ था कंपनी के ऊपर। तो उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जवाजात एंड पाकिस्तानी सफारा और इसके अलावा अदालत वगैरह में भी जाता था, वहाँ से बहुत सी वीडियो मैंने लाइव शेयर की थी। अच्छा जी, वो जो पैसे भेजने, मैंने बोला कि पैसे कैसे भेजने, बोलता हो बनी मालक में एक बंदे के पास गया, उसने ना परफ्यूम की और थोड़े बहुत कंबल रखे हुए हैं, थोड़ी बहुत एक्सेसरी रखी हुई है, परदेशियों के छुट्टी जाने का सामान। तो वहाँ एक बंदा, वो दुकान वाले से ही उसने बात की, उसको उसने पैसे दिए, उसने बोला ठीक है चले जाएंगे, ये 10 रियाल 20 रियाल अपने पास। अब मैंने बोला अभी क्या दिया है इसने? उसने बोला ये दिया, मैंने जो रेट चेक किया बैंक के हिसाब से तो वो 1 रुपया ज़्यादा दे रहा था। मैंने बोला यार ये तो फिर बेस्ट है, लेकिन रिस्क है भाई, ओपन मार्केट इसको बोलते हैं। आपके सवाल का जवाब ये हो गया, ओपन मार्केट इसको बोलते हैं। आपने वहां से किसी हौंडी वाले को पैसे पकड़ाए, उसने पाकिस्तान किसी को बोला,
उसने अपने अकाउंट से या बाई हैंड आपके घर पैसे पहुंचा दिए, ठीक है। ये हो गया ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में भाई मिसाल के तौर पर डॉलर 340 का था, आपने वहां से रियाल 85 का था, चलो रियाल के हिसाब से आपको समझा देता हूं मैं, रियाल भाई 85 का था, आपने वहां से ओपन मार्केट के होंडी के थ्रू भेजा, आपको उस बंदे ने 83 लगा दिया, बैंक में 81 रेट था, आपको उसने 83 दे दिए, 83 दे दिए, आपके घर में आपने मिसाल के तौर पर 5000 रियाल भेजे, बैंक के थ्रू भेजते या वो तो रेट और था, आपने होंडी के थ्रू भेजे तो तकरीबन आपको 10 से 15 हज़ार रुपये का फ़ायदा मिल गया, पैसे भी जल्दी मिल गए एक दिन में ही, और या उसी टाइम भी सर्विस है, लेकिन चलो एक दिन में भी अगर मिल गए तो आपको 10-15 हज़ार रुपये का फ़ायदा भी हो गया और आपके पैसे भी जल्दी मिल गए। भाई ये होती है ओपन मार्केट। ओपन यार हमें, मैं इसलिए बोल रहा था, हमें ओपन मार्केट से लिंक ही नहीं है, मैं मुख्तलिफ वीडियो में बोलता हूँ, ओ भाई होंडी के थ्रू पैसे मत भेजें, रिस्क है, पकड़े गए, आप पकड़े गए, आपका पैसा पकड़ा गया, जाया गया। ओपन मार्केट मैं इसलिए बोलता हूँ, ओपन मार्केट यानी कि होंडी के थ्रू पैसे मत भेजें, स्टेट बैंक से पैसे भेजें। स्टेट बैंक में रेट मुस्तहकिम हुआ यानी कि रेट मजीद बढ़ा पिछले दो दिन की अगर बात करें तो भाई इससे आपको फ़ायदा हुआ। स्टेट बैंक से पैसे भेजिए, ओपन मार्केट से हमारा कोई तल्लक नहीं होता है, मैं फिर बोलता हूँ वो तल्लक इसीलिए नहीं है क्योंकि भाई यार हमने कौन सा ओपन मार्केट को, ओपन मार्केट में वो रियाल भेजने हैं या डॉलर भेजने हैं, हमने तो स्टेट बैंक पाकिस्तान में बैंक में अपने अकाउंट में पैसे भेजने हैं, तो अगर स्टेट बैंक का रेट ओके है तो हमें तो कोई टेंशन नहीं है, हमारा रेट तो कम हो गया नहीं। हाँ जो भाई साथ में लेकर आ रहे हैं उनको पहले अगर मिसाल के तौर पर कोई बंदा 10,000 लेकर आ रहा था तो उसे मिसाल के तौर पर 10,000 के पीछे 50,000 का फायदा था, अभी उसको भाई 10,000 के पीछे 10,000 या 15,000 या 20,000 का फायदा हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत तो डिफरेंट रहता ही है यार ओपन मार्केट और बैंक का, तो ये चीज़ होती है, एक रुपए का तो डिफरेंट होता है रियाल के पीछे। बहरहाल जी इसके बाद एक भाई ने जो कमेंट किया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा, वो क्या आपको साथ में दिखा रखा हूँ मैं, इस तरफ या इस तरफ आप देख लें। भाई सबसे पहले लिखा हुआ है, भाई मैंने आपकी सारी वीडियो देखी है रोज़, लेकिन आपने ये बताया रेट, रेट बताया लेकिन आपने कभी ये नहीं बताया कि भाई अभी रोकने चाहिए या भेजने चाहिए, सुन लें। खैर अभी 85 तक रेट कब जाएगा? उसके बाद उसने जो कमेंट किया है ना ऊपर वाला वो है ठीक है जी, वो पढ़ने के लायक है, पढ़ने से लाभ मुराद ये है कि वो वाकई उसने बात ठीक बोली है। आज की वीडियो में बताया गया कम क्यों हुआ है ओपन मार्केट में और भरेगा कब तक, मेहरबानी होगी, 30,000 हैं मेरे पास और मैं इनका नाम छुपा रहा हूँ, जारी से बात हर बंदे के यार पर्सनल होता है, 30,000 है मेरे पास और मैंने मंडे को पेमेंट करनी है, ये सऊदी अरब में भाई बैठे हुए हैं और मंडे को इन्होंने पेमेंट करनी है, किसी की देनी वगैरह होगी यार, अगर तो पेमेंट आपने पाकिस्तान में करनी है तो फिर तो अभी भेज दें। मैं ये वीडियो आज शायद कल की निस्बत एक दो घंटे पहले अपलोड कर रहा हूँ, उसकी रीज़न भी ये है अभी सऊदी अरेबिया में जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तकरीबन 2-2.5 का टाइम है जी, 3 का, और बैंक तो खुले हैं जी, अभी अगर आप मोबाइल ऐप बनी हुई है मोबाइल ऐप से आज ही ट्रांसफ़र कर दें, मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आपने भाई आज ट्रांसफ़र नहीं करने क्योंकि आपने मंडे को पेमेंट करनी है तो फिर अगर आपको मजबूरी नहीं है तो फिर चंद दिन वेट करना पड़ेगा आपको। वेट क्यों करना पड़ेगा? ओपन मार्केट में भाई डॉलर को, सॉरी कल वाली वीडियो में मैंने रियाल बोला था लेकिन मेरे मुंह से निकल गया था, रियाल को नहीं भाई डॉलर को छित्तर पड़े हैं, ठीक है, आज भी कम हुआ है और स्टेट बैंक में भी आज डॉलर रेट कम हो चुका है जी, 305 रुपए प्लस में, 305 रुपए ऊपर कुछ पैसे, तकरीबन 1.5 से 2 रुपए आज डॉलर कम हुआ है स्टेट बैंक में। और ओपन मार्केट में तो आपको पता है अगर 3 दिन की बात करें तो 25 से 30 रुपए तक का डिफरेंट देखने को मिल चुका है। भाई ये ऐसा नहीं हुआ है, चलो ये भी आपको थोड़ा बता दूं मैं, ऐसा नहीं हुआ है कि भाई डॉलर आ गए हैं बहुत सारे बाहर से इसलिए रेट कम हो गए, नहीं भाई कुछ खुफिया बंदे सिविल वर्दी में एक्सचेंज मार्केट में छोड़े गए हैं कि जो ज़्यादा डॉलर के पुजारी बने बैठे हैं ना स्मगलर, उनको पकड़ो, तो इसलिए ये रेट कम हुआ है। तो ये रेट तो कम हुआ है लेकिन स्टेट बैंक एंड ओपन मार्केट का ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा क्योंकि ये IMF की एक शर्त भी थी कि आप 1.5 पॉइंट के हिसाब से तकरीबन ओपन मार्केट और स्टेट बैंक का जो डॉलर का रेट है उनमें रखिएगा, और ज़्यादा यानी कि अगर 340 का हो चुका था और बैंक में 305 का था, 35 रुपये का डिफरेंट था, वो कम किया गया है। बहरहाल जी रियाल रेट के मतलब बात करें तो परदेशियों को मैं रेट बताने से पहले एक बात बता दूँ जी, अगर किसी भाई ने मिसाल
तौर पर उसको 5-10 दिन के अंदर पैसे चाहिए तो वो आज ही ट्रांसफ़र कर दे। अभी रेट गुड है, अभी रेट कम नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है आने वाले 2-4-5 दिन तक रेट कुछ कम हो, ये फिर मजीद बढ़ेगा। और जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया 100, वो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता ही चुका हूँ। बहरहाल जी, अगर आज के एक्सचेंज रेट के मुतलक बात करें तो 81.82 रुपये आज का भी रेट रहा, और इंडिया 22+, बांग्लादेशी टका 29% प्लस में। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात करें तो टैली मनी यानी कि AMB बैंक की बात करें तो आज भी इनका रेट 80.64 रुपये 10, 17 और 23 रियल फीस के साथ। भाई बैंकों में 80 रुपये प्लस में अभी भी रेट दिया जा रहा है, तो आने वाले 2-4-5 दिन 7 दिन ये हो सकता है 78 या 79 पर आए, लेकिन ज़्यादा नहीं डाउन होगा, उसके बाद फिर अप हो जाएगा। बात करें मनीग्राम की तो 80.67 रुपये आज का रेट रहा 10, 17 और 23 रियल फीस के साथ। अगर बात करें राजी बैंक की, तहवीर राजी की, तो 80.58 रुपये आज का रेट 10, 17 और 23 रियल इनकी भी फीस होती है। वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो इनका आज का रेट 80.66 रुपये, कल इनका रेट 81 रुपये प्लस में हो चुका था। इनका 80.66 रुपये आज रेट हो चुका है 10, 17 और 23 रियल फीस के साथ। अगर STCPA की बात करें तो 80.61 रुपये ही इनका भी रेट है 10, 17 और 23 रियल फीस के साथ। एंड अगर बात करें फौरी बैंक, बैंक जजीरा की, तो भाई इनका आज का रेट 80.66 रुपये 10, 17 और 23 रियल फीस के साथ। अगर आप इंजाज बैंक से भेजना चाह रहे हैं तो इंजाज बैंक का आज का रेट भाई 80.54 रुपये 10, 17 और 23 रियल फीस के साथ। एंड अगर बात करें हम क्विक पे की, तो क्विक पे का आज का रेट 80.68 रुपये हाई रेट है इनका 10, 17 और 23 रियल फीस के साथ। ओवरऑल मैं बात करूंगा वही लास्ट में वीडियो को, वीडियो खत्म करने से पहले, कि भाई अगर आपको मजबूरी है तो भेज दे, वरना कुछ दिन ये रेट यहीं पर रुकेगा, ये 1-2 रुपये का डिफरेंट होगा, फिर उसके बाद मजीद बढ़ेगा।